बार बार बलगम जमने की समस्या है या फिर एलर्जी है, या किसी ना किसी वजह से आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आज की रेमेडी काफी ज्यादा पावरफुल है। इसे सर्दी के मौसम में अगर किया जाए तो आपकी पुरानी एलर्जी में बिल्कुल सही हो सकती है, बार बार सर्दी जुकाम सही हो सकता है, और बार बार जो बलगम जमता है वह जड़ से साफ होने लगेगा। चाहे किसी भी उम्र के व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या हो रही है तो भी ये समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर बार बार बलगम मलता है, जैसे गले के अंदर जमा हो रहा है, नाक के अंदर जमा हो रहा है, आपके चेहरे पर इस प्रकार से दर्द महसूस होता है, यहाँ पर बलगम जमा हो चुका है, या फिर आपके फेफड़ों के अंदर भी इस प्रकार से गड़गड़ाहट की आवाज आती है, सीना बहुत ज्यादा भारी लगता है, ऐसा लगता है कि कफ बलगम वहां पर भी जमा होने लगा है, तो आज की रेमेडी को आप करिए, आपको काफी आराम मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार बार खांसी करते हैं तो बलगम गिरता है, चाहे खांसी नहीं करते हैं तो बार बार इस तरह से खकार बढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि कफ जमा हो रहा है। इस प्रकार के संक्रमण पर ये रेमेडी काफी ज्यादा काम करेगी। आप इसे एक बार करेंगे उसमें ही आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपको पुराना कफ बलगम भी जमा होगा तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बार बार सर्दी जुकाम होना या फिर बलगम जमने की जो समस्या होती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है तो ऐसे व्यक्तियों को कफ बलगम ज्यादा जमता है। इसकी वजह से शरीर के अंदर काफी ज्यादा आलस्य रहता है और भी बहुत सारी बीमारियां लगने लगती है। अगर सर्दी के मौसम में आप इस रेमेडी को करेंगे तो कफ बलगम की वजह से जो समस्या आपको लग रही है कि जैसे आलस्य आता है, सिर दर्द होता है, पूरा शरीर भारी महसूस होता है, तो इन सारी चीजों से आपको काफी आराम मिलेगा। कच्ची हल्दी आजकल बहुत ज्यादा आ रही है, सर्दी के मौसम में ये अच्छे से मिलती है बाजार के अंदर। आपको क्या करना है, कच्ची हल्दी को मार्केट से लाना है। अब आपको क्या करना है, एक ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखना है और आधा आपको छोटा सा टुकड़ा लेना है, जैसे कि आपको एक उंगली का तीसरा हिस्सा जो होता है, इतना सा आपको कच्ची हल्दी का टुकड़ा लेना है और फिर उसे कद्दूकस कर लेना है। इसे आपको पानी के अंदर डाल देना है, पानी को अच्छे से बॉईल करना है, यानी हल्दी डालने पर जो पानी बॉईल होएगा फिर वो एक कप पानी रह जाएगा। अब आपको एक और चीज लेनी है, वह है पीन खजूर, खजूर भी जिसको बोलते हैं। खजूर जो ताजा आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी, आपको एक खजूर एक टाइम पर यूज करनी है। इसे क्या करना है, खजूर को अच्छे से साफ कर लेना है, मिट्टी लगी होती है उसे धो लेना है, उसके छोटे छोटे से आपको टुकड़े कर लेने हैं और फिर उसे भी पानी के अंदर डाल देना है। अब जब एक कप पानी के अंदर आप खजूर को भी डालेंगे तो पानी जो होगा वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, एक पानी को बॉईल कर लेना है। अब इस पानी को आपको छान लेना है और फिर इस पानी को आपको पीना है, बिल्कुल हल्के हल्के धीरे धीरे से इस पानी को आपको सेवन करना है। जब आप इस पानी को रात को सोते समय लेंगे तो शरीर में एकदम से एनर्जी आ जाएगी, गर्माहट आएगी, आपके कफ बलगम जो जमा होगा वह ढीला हो जाएगा और सारी समस्याओं को ये बिल्कुल सही करेगा। अच्छी हल्दी एंटीबायोटिक होती है और साथ में ही एंटीवायरल होती है। इसमें काफी सारा पौष्टिक तत्व होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारे इम्यूनिटी को बिल्कुल बूस्ट करता है, हमारे शरीर की सर्दी जुकाम होना या फिर किसी भी प्रकार की छोटी मोटी जो बीमारियां लगती है उसे ये बिल्कुल जड़ से साफ करता है। ऐसे पीन खजूर में भी काफी ज्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं, बहुत सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है जो कि हमारे शरीर में जाकर के हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे ही बढ़ती है सर्दी जुकाम में एलर्जी का संक्रमण खत्म होने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी है तो वह आयरन की कमी को भी दूर करता है। रात को सोते समय एक कप बनाकर अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए तो उसका सर्दी जुकाम तो सही होता है, एलर्जी बिल्कुल सही हो जाती है, सांस चढ़ने की जो दिक्कत होती है वह सही होती है, सीना भारी रहता है, लंग्स में कफ जम चुका होता है या आपके पर भी कफ बलगम जम रहा है, गले के अंदर, नाक के अंदर, चेहरे पर, वह सारे कफ बलगम को बिल्कुल साफ कर देगा। यह बिल्कुल नेचुरल तरीका है और इसे आप 5 से 7 दिन तक करिए। अगर आपको सर्दी का मौसम के अंदर इस रेमेडी को करेंगे तो जो पुरानी समस्या है कफ बलगम की वह भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। जो रात को सोते समय पर आपको बार बार खांसी चलती है, कफ बलगम गिरता है, तो वह सारी समस्याओं को भी सही करेगा। इसी तरह से आप इस चीज को तो अंदरूनी उपाय के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन यह समस्या अगर आपको पुरानी है तो आपको रात को सोते समय पर भाप भी लेना चाहिए। आप क्या करें, थोड़ा सा पानी गर्म रखें और उसके अंदर आप नीलगिरी का तेल डाल सकते हैं और फिर उस पानी से आपको भाप लेना है। इस तरह से भाप लेने से भी आपके श्वसन तंत्र मजबूत होते हैं, नाक पूरी तरह से खुल जाता है, जो कफ बलगम फेस पर जमा होने लगता है, सिर के अंदर पहुंच चुका होता है, वह बिल्कुल साफ होता है। तो इस तरह से भाप भी आप ले सकते हैं और इस रेमेडी को तो आप करिए अगर आपको कफ बलगम की समस्या बहुत ज्यादा है। साथ में कुछ परहेज जरूर रखें, तला हुआ, खट्टा
खट्टा अचार इन सब चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इन सब चीजों से इम्यूनिटी और कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से कोल्ड कफ ज्यादा होते हैं, खांसी खराश ये सारे संक्रमण ज्यादा बढ़ते हैं। तो अगर इन सब चीजों से बचना है तो कुछ परहेज भी आपको करने होंगे। रेमेडी काफी ज्यादा पावरफुल है। और थ्रोट इन्फेक्शन अगर आपको बहुत ज्यादा होते हैं, कफ बलगम पर भी मेरे काफी सारे वीडियो है, थ्रोट इन्फेक्शन पर भी मेरे काफी सारे वीडियो है, एक बार आप जाकर उनको जरूर देखें। प्लेलिस्ट पर जाकर आप एक बार पूरे वीडियो को जाकर देखें, शेयर करें, क्योंकि सारे की सारी रेमेडी 100% इफेक्टिव है। अगर आपको कुछ फायदा मिलता है तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।